मैं अपनी वीडियो का आगाज रब्बे जुल जलाले वाली कराम के पाक मुकद्दस व मुतहे नाम से करता हूँ जो तमाम कायनात का रब है, जमीन व आसमान को पैदा करने वाला है और इसके निजाम को चलाने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, हम आप सब दोस्तों को अपनी इस्लामी चैनल बेटर लाइफ इस्लामी के एडवाइस में खुश आमदीद कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिन गिराम, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे खुश नसीब लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कयामत के दिन जन्नत के आठों दरवाजे ही खोल देंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि इन आठ दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से तुम्हारा जी चाहता है गुजर कर जन्नत में चला जा। वीडियो बहुत अहमियत की हामिल है, इसको इग्नोर मत करना और मुकम्मल ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर देना और अगर दिल इजाज़त दे तो हमारे इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामिन गिराम, दुनिया में आपने बहुत से खुश नसीब लोगों से मुलाकात की होगी, आज इन खुश नसीबों से भी मुलाकात कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया, वसीकल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफुतिहत अबवाबुहा। जब मुत्तकी लोगों को जमा करके जन्नत की तरफ चलाया जाएगा तो इनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। मेरे भाइयों, जन्नत के कुल आठ दरवाजे हैं और जहन्नम के सात। हर मोमन के ईमान और नेकियों का मकसूद और मतमाई नज़र जन्नत का दखूल है जो आखिरी ठिकाना है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपने बंदों पर इंतहाई शफकत है कि उसने हमारे लिए आखिरी ठिकाने और मकान में दाखिल होने के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे आठ दरवाजे बनाए हैं। और रब्बे करीम ने यह भी बता दिया कि ये कौन से खुश नसीब लोग होंगे जिनको ये एज़ाज़ बख्शा जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामिन गिराम, पहला खुश नसीब, ये हदीस सही बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, जो शख्स किसी चीज़ का जोड़ा मसलन 2 रुपये, 2 घोड़े या 2 बकरियां वगैरह अल्लाह की राह में सदका करता है, इनको भी आठों दरवाजे से बुलाया जाएगा। कहा जाएगा कि ऐ अल्लाह के बंदे इधर आओ, ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए अच्छा है। सुबहान अल्लाह। दूसरा खुश नसीब, सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है, जो मुसलमान सुन्नत के मुताबिक वुजू करता है, वुजू मुकम्मल करने के बाद ये दुआ पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस शख्स के लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाएंगे। सुबहान अल्लाह। और तीसरा खुश नसीब, ये हदीस मुसनद अहमद और सुनन इब्ने माजा में है, जिस मुसलमान के 3 बच्चे बलोगत से पहले यानी बचपन में ही फौत हो गए तो वो सब बच्चे जन्नत के आठों दरवाजे पर इस्तकबाल करेंगे। सुबहान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिन गिराम, चौथा खुश नसीब, ये हदीस भी मुसनद अहमद में मौजूद है, जो आदमी इस हाल में फौत हुआ कि वो अल्लाह और आखरत पर ईमान रखता था, इसके लिए भी जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाएंगे। सुबहान अल्लाह। और पांचवा खुश नसीब, ये हदीस भी मुसनद अहमद में मौजूद है, जो बंदा अपने रब से इस हाल में मुलाकात करे कि उसने अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया यानी शिरक ना किया हो, इसके लिए भी जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाएंगे। सुबहान अल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, ये तो सब मर्द थे, औरतों के लिए भी ये एजाज मौजूद है। छठा खुश नसीब, ये हदीस मुसनद अहमद की है, ये वो औरत है जो अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज अदा करती है, रमज़ान के रोज़े रखती है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है यानी जना नहीं करवाती, अगर शादीशुदा है तो अपने खामद की फर्मा बरदारी करती है, इस औरत के लिए भी जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाएंगे। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला से दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला हमें भी इन खुश नसीब लोगों में शुमार कर दे, आमीन। मेरे भाइयों, खाली दुआ ही नहीं करनी चाहिए बल्कि अमल भी करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और अपनी मोहब्बत का सबूत जरूर पेश करना। शुक्रिया।